देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवर नाइट सक्सेस मैं कितनी बार पहले भी कहती हूं ओवर नाइट सक्सेस नाम की चीज ही नहीं होती न साधना में न संसार में न आत्मार्थ में ना परमार्थ में कहीं नहीं होती ओवरनाइट सक्सेस जो तुम्हें दिखती है ना उस हर ओवर नाइट सक्सेस के पीछे सालों का अभ्यास होता है दीर्घ काल का अभ्यास मैंने अभ्यास से सफलता का एक फॉर्मूला बनाया आर यू विलिंग टू टेक दैट फॉर्मूला तुम कोई भी अभ्यास करो उसकी फाउंडेशन स्ट्रेंथन कब होगी तो पतंजलि कह रहे हैं पहले तो अभ्यास दीर्घ काल के लिए यानी लंबे समय तक होना चाहिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू लाइफ की जिस भी फील्ड में तुम सफलता पाना चाहते हो दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए सो so, अगर तुम्हें भी दुख में से सुखपूर्ण वृत्ति में अपने आप को ट्रांसफर करना है तो एक तो लंबे काल का आज्ञा का अभ्यास चाहिए एक दिन दो दिन नहीं अवनीश तुमने अभी अभी गाना शुरू किया सिंस यूअर इन सेकेंड स्टैंडर्ड आई थिंक क्लास टू में था तब से अगर वो गा रहा है सो यू कैन सी टूडे उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है इसे कहा जाता है अभ्यास आप दो दिन गाओ और उसके बाद कहो नहीं मैं भक्ति की प्रेजेंटेशन कर दूंगी भाव बहुत सुंदर है तुम्हारे लेकिन अभ्यास के अभाव में न अभ्यास रहेगा न वैराग्य रहेगा और फिर तुम्हारे चॉइसेस क्या बन जाएंगे क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो जाएंगे गाया तो सही लेकिन सोरी नहीं लगे तो अब तुम्हारे अनुभव कैसे हो जाएंगे क्लिष्ट दुख देने वाले इसलिए कहा पहले दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए दूसरा कहा नैरत यानी निरंतर चाहिए निरंतर तुम कहो हां कर तो रहे हैं दस साल से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन छह महीने में एक आध बार करते हैं नहीं कला शास्त्र खास जो कला विपाक शास्त्र है वो कहते हैं यदि तुम किसी भी कला में पारंगत होना चाहते हो पारंगत यानी एक्सपर्ट होना चाहते हो तो मैक्सिमम सेवेंटी टू आवर्स का गैप दे सकते हो तो मैक्सिमम मिनिमम तो तुम उसे फाइव आवर्स में भी रिपीट कर सकते हो सिक्स आवर्स में भी रिपीट कर सकते हो एट आवर्स में भी रिपीट कर सकते हो लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना प्रोविजन नहीं है तो यू नीड कि एटलीस्ट सेवेंटी टू आवर्स में वो रिपीट हो जाए एंड देर फोर यू अंडरस्टैंड वाई स्वराज टू टाइम्स अ वीक वाई तुम्हें टू आवर्स के अंदर उसको रिपीट मोड में डालना है नहीं तो वो अभ्यास की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनेगी खाली स्वराज के लीडर ही ताली बजा है रहे हैं पारंगत चाहिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है अभ्यास की क्योंकि यदि तुम्हारे अभ्यास की फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो उसमें टिके टिकेगा कहाँ से है इसलिए कहा अभ्यास कैसा होना चाहिए पहली बात दीर्घ काल का दूसरा अभ्यास निरंतर होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट कुछ भी तुम्हें ब्रेक लेने का मन है तो सेवेंटी टू आवर्स नॉट मोर देन दैट बाकी तुम जैसे भी इच्छात करे तुम उसे रिपीट कर सकते हो कोई पेंटिंग करना चाहता है तो महीने दो महीने बाद ब्रश उठाता है वो कभी भी अच्छा पेंटर नहीं बन सकता नेवर वो सोचे कि हाँ पेंटिंग मेरा पैशन तो है लेकिन स्टडीज पूरी हो जाएगी ना उसके बाद करूंगी मैं दिव्या कहाँ बैठी है हाँ तुम तुम्हारे लिए बोल रही थी तुम कभी भी अच्छी पेंटर नहीं बन सकती तुम हॉबी पेंटर बन जाओगी अपनी हॉबी के लिए जो करता है लेकिन जो पैशन में से करता है उसके लिए इट इज कंपल्सरी कि वो तीन दिन के अंदर अंदर अपनी उस अभ्यास को वापस एक्टिवेट करते is that okay? अब तुम्हें किस में पारंगत होना है किस में पारंगत होना है वॉट एवर योर फील्ड हो सकता है संसार में जैसे तुम्हें भक्ति संगीत में पारंगत होना है पर अध्यात्म में तुम्हें वैराग्यपूर्ण चित्त में पारंगत होना है तो दोनों का अभ्यास करना होगा दोनों का एक से नहीं चलेगा और तीसरा का बड़ा सुंदर सत्कार सेवितों यानी उत्साह भाव से उल्लास भाव से आत्मविश्वास के साथ हायर पर्पस के साथ जब भी तुम कोई अभ्यास करते हो तो वो अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें वैराग्य की ओर ही ले जाता है ब्यूटिफुल थ्री थिंग्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अभ्यास कैसे करना है दीर्घ काल लंबे समय तक नंबर टू निरंतर एंड नंबर थ्री उत्साह के साथ उल्लास के साथ आत्मविश्वास के साथ कोई गाना सीख रहा है लेकिन उसको आत्मविश्वास ही नहीं है भीतर कि मैं गा पाऊंगी कोई पेंटिंग सीख रहा है उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं अच्छा पेंटर बन पाऊंगा आई विल बी हैप्पी विद माई पेंटिंग्स उसको आत्मविश्वास ही नहीं है तो उसका यह अभ्यास कोई बहुत काम का नहीं है तुम इस पथ पर चले भी हो निर्मोही होने के मार्ग पर लेकिन तुम्हें आत्मविश्वास ही नहीं है કેમે નિર્મોહી હો પાઉંગા يا નિર્મોહી હો પાઉંગી ઓવર યોર પ્રેક્ટિસ ફિનિશ્ડ ઇસલી ગુરુ બાર બાર તુમે વો આત્મવિશ્વાસ જગاتے બાર બાર ક્યોકી યદી ય આત્મવિશ્વાસ હે તબહી અભ્યાસ કી જો ફાઉન્ડેશન હે વો તુમારી આધારશિલા સ્ટ્રોંગ હો રહી હે સો આધી થ્રી થિંગ્સ ઇન યોર લાઈફ દીર્ઘકાલ કા અભ્યાસ ચાહીએ કિસકે લિયે દુખ મેસે સુખ કા ચુનાવ કરને बिकॉज इन एवरी इंसिडेंस ऑफ लाइफ दुख और सुख दोनों ही होते हैं लेकिन तुम्हारी वृत्ति दुख को चुन रही है क्योंकि तुम्हारा अभ्यास एनफ नहीं है ऐसा ही है अभ्यास के माध्यम से तुम सुख का चुनाव करोगे लेकिन वो अभ्यास लंबे समय का होना चाहिए अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अभ्यास उत्साह सत्कार आत्मविश्वास उल्लास उमंग के साथ होना चाहिए ये अभ्यास मैंने अभ्यास से सफलता का एक फॉर्मूला बनाया आर यू विलिंग टू टेक दैट फॉर्मूला तुम जिसकी भी आज्ञा में अभ्यास करो मान लो तुम क्रिकेटर होना चाहते हो या तुम तुम चलो ना संगीत की बातें रखते हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे बेंचमार्क्स, रहमान जी जैसे हैं ए आर रहमान सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद हिम बिफोर स्टार्टिंग योर अभ्यास योर रियाज जो भी तुम्हारे आइकन्स या आइडियल्स हैं उनका कोई ना कोई पिक्चर तुम यहां माइंड में ला सकते हो कि नहीं ला सकते किसी भी अभ्यास में सफल होने के लिए इमेजिनेशन करनी है ना तो अपने आइडियल्स की इमेजिनेशन करो और इसीलिए यहां पर स्वरूप भक्ति ज्यादा सक्सेसफुल बनी है निरूप और निर्गुण भक्ति से रूप चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ तुम कनेक्ट कर सको फॉर मी इट्स परम देव तुम्हारे लिए कोई भी हो सकता है तुम्हारा अध्यात्म पथ पर संसारिक पथ पर एवर इज योर आइडियल जहां जहां जो जो, जो योग्य है सो so, सफलता का सूत्र है हिज विल हिज विल प्लस माई एफर्ट्स प्लस माई फेद इन इज ग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस इतना ही तुम जिसके जैसा होना चाहते हो ना उसका विल या उसकी आज्ञा यह दाएं तो एक विल है जो कॉस्मिक विल चल रहा है तुम कभी समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है लेकिन इस पाथ में तो तुमने अपने आइडियल्स बनाए हैं कि हमें इसके जैसा होना है हम फ्लूट सीख रहे हैं तो हमें इसके जैसी बजानी है तो कहीं ना कहीं हैव दैट फॉर्म ऑफ आइडियल और उसकी आज्ञा आज्ञा परोक्ष प्रत्यक्ष कुछ भी हो सकती है जैसे कौन था अंगूठा काटने वाला एकलव्य एकलव्य के लिए कहां थे द्रोणाचार्य प्रत्यक्ष लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्रत्यक्ष मानकर आकृति बनाई ना एकलव्य ने उसने नहीं सोचा कि सामने नहीं है तो आकृति बनाने की क्या जरूरत है आकृति बनाई विधिवत स्थापना की और उनके सामने अभ्यास करता था यही तो रीजन है कि तुम मेडिटेशन संघ के घरों में त्रिचित्रपट और चरण पादू का पहुंची है कि नहीं सो so, तुम जो भी अभ्यास करो उसमें दाई विल या दाई छोड़ दो हिज विल इज ऑलवेज देयर ईश इच्छा तुम्हारे लिए ईश निराकार साकार कोई भी रूप में हो सकते हैं प्लस माई एफर्ट्स जो भी राइट एफर्ट्स हैं जो भी उन्होंने आज्ञा दी है वो एफर्ट्स प्लस माई फेथ इन हिज ग्रेस ये पक्का विश्वास कि जो भी जिस मार्ग पर भी मैं आगे बढ़ा हूं उसमें उनकी कृपा से मेरा कार्य अवश्य पूर्ण होगा ये आत्मविश्वास कैसे बने विवेकानंद विवेकानंद एक भी नॉर्मल इंसान नरेंद्र नरेंद्र एक इतने ही नॉर्मल इंसान जिसको न धर्म में रस है बस मन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से भरा है लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास आए और अष्टावक्र गीता सुनी एंड ही वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू विवेक प्लस आनंद नरेंद्र जर्नी फ्रॉम नरेंद्र टू विवेकानंद वॉज थ्रू अष्टावक्र गीता और हमारे यहाँ भी लाखों रूपांतरित हो रहे हैं अष्टावक्र गीता इज द टॉप चार्टर हाउ 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 नरेंद्र गॉड ट्रांसफॉर्म्ड इन टू स्वामी विवेकानंद कैसे हिज विल यानी नरेंद्र की रामकृष्ण परमहंस के प्रति की अटूट श्रद्धा हिज विल आप आज्ञा करो और वो मैं करो आप मार्ग दिखाओ उस पर मैं चलूं आप आदेश करो और मैं कुछ भी कर दू ये जो विल के ऊपर भरोसा उसके बाद एफर्ट्स और एफर्ट्स करते रिजल्ट तुरंत नहीं आ जाते तब जो प्रतीक्षा का धैर्य है दैट इज हिज योर फेद इन हिज ग्रेस तत् नहीं आते रिजल्ट सौभाग्य भाई उसके लिए तो कौन था ओनली श्रीमद 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 अंबालाल भाई ओनली श्रीमद 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 लघुराज स्वामी ओनली श्रीमद 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 तुम्हारी आज्ञा वही धर्म तुम्हारी आज्ञा वही तप तुम्हारी आज्ञा वही अभ्यास और तुम्हारी आज्ञा वही वैराग्य ये इन लोगों की चितवृत्तियां थी सो हिज विल प्लस अम्बालाल एफर्ट्स सौभाग भाई एफर्ट्स लघुराज स्वामीज एफर्ट्स एंड देन एफर्ट करते ही तुरंत ब्रह्मचारी वाली वृत्ति नहीं हो गई एफर्ट्स करते ही सब कुछ नहीं हो गया एफर्ट करने के बाद कहीं शंका नहीं कंप्लीट फेथ इन हिज ग्रेस, कि उसकी कृपा से मैं इस लक्ष्य को जरूर पाऊँगा सो so यू सी के इस पूरे आयोजन को अगर वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड में बांटा जाए तो टू थर्ड तो उसने लिया हुआ है तुम्हारे हाथ में केवल वन थर्ड दैट इज योर एफर्ट्स है और वो भी तुम्हें नहीं चुनना कि क्या एफर्ट करने वो भी उसकी आज्ञा से बहने तो तुम्हारा काम ही कितना है अभ्यास के अंदर सफल कौन होता है देखो अभ्यास कैसे करना है दीर्घ काल निरंतर सत्कार वृत्ति लेकिन अभ्यास में सफल कौन होता है जिसके अंदर कोई ना कोई पिक्चर है जिसके मन में हमेशा कोई ना कोई पिक्चर है जैसा तुम्हें होना है ना उसका साकार रूप कहीं ना कहीं चाहिए नहीं तो मंदिरों की स्थापना ना हुई होती ये वीतराग स्वरूप भी आपके सामने आता है ना नॉट नेसेसरी के भगवान महावीर आदिनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान ऐसे ही होंगे नेसेसरी है क्या जिस टाइम का ये चित्र क्या पता उनके भी दाढ़ी हो उनके भी मूछे हो लेकिन इन्होंने जो बनाया ये जस्ट इसलिए कि तुम इस सुंदर शांत मुद्रा को देखकर उनकी आज्ञा का अवलंबन ले सको कृपाणु देव का तो जीवंत चित्र है, है योगेश्वर कृष्ण भी काल्पनिक है लेकिन उनकी भी बात अद्भुत है और वो कोई सदगुरु जानता है कि अद्भुतता क्या है तुम्हें तो उस सदगुरु के बताए मार्ग पर उसकी इच्छा तुम्हारे प्रयास और उसकी कृपा में श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है दिस इज अभ्यास